बहुत दिनों से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था सोसाइटी में सबके साथ और अपने साथ भी। मतलब हम लोग जो है ना, एक डुअल पर्सनालिटी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं आजकल, और ये मैं नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये बहुत बड़ा फंडामेंटल गलती है रिलेशनशिप्स को और कुछ भी, आपके माँ बाप के साथ हो या आपके वाइफ के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, आपके बॉस के साथ हो, इट्स लाइक हम लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए। हम लोग मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर अगर हम ये करेंगे तो वो माफ़ कर देंगे या वो माफ़ नहीं करेंगे, या कभी किसी की रिस्पेक्ट करते हैं या कहीं पर रिस्पेक्ट नहीं करने से भी काम चल रहा है तो रिस्पेक्ट क्यों करें, क्योंकि हम लोग को ईगो को तो भी फीड करना है ना अपने। तो इसके वजह से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि ये जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स हैं हम लोगों की लाइफ में, और ब्लड रिलेशन, और मतलब जैसे नेबर्स हैं, ब्लड रिलेशन हैं, रिलेटिव्स हैं, माँ बाप हैं, मतलब जो क्लोज रिलेशनशिप है, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है जो मतलब आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, तो हो रहा है उल्टा, ये सब लोग कहेंगे। लेकिन हम ये बोलेंगे कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप और ब्लड रिलेशनशिप में उतना ज्यादा डिफरेंस रहना चाहिए, लेकिन दोनों पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव रहने की क्या जरूरत है, उल्टा रहने की नहीं जरूरत है। तो ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा होता है आजकल लोगों का। जैसे मैं ही अपने पर्सनालिटी में, या मैं ही ये नोटिस कर रहा था ना कि किसी का हायर मैनेजर का कॉल आ गया तो मतलब यस सर, या थोड़ा रिस्पेक्टफुली, या मैसेज आया तो उसका तुरंत जवाब दे दिया, और घर वालों से या रिलेटिव से या मतलब दोस्त से या मतलब नेबर से तो थोड़ा सा कभी जवाब लेट दिया, या कभी मतलब हाँ ठीक है वो समझ लेंगे मेरे रिलेशनशिप को या मेरी सिचुएशन को, अभी समझ रहे हैं। लेकिन इट्स लाइक हमको प्रायोरिटी उसको ज्यादा देनी चाहिए। मैं सब एग्जाम्पल जो है ना, मैं अपने आप पे लेता हूँ, और ये मैं चेंज करूंगा, चेंज कर रहा हूं, तभी रात में नींद आएगी। मतलब कि दीज थिंग्स हम लोगों को ऐसा लगता है कि मेंटली हम लोगों को ये इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये लेकिन इफेक्ट करता है हम लोगों को। एक इंसान जो है ना, वो एक सोशल एनिमल है, एनिमल नहीं है। एक सोशली हम लोग अगर अच्छे रहते हैं, रिलेशनशिप हम लोगों का अच्छा रहता है, तो मेंटल सपोर्ट एक रहता है, एक सपोर्ट रहता है, तो हम लोग मेंटली पीस में रहते हैं। तो जिसका जो ओहदा है, माँ का ओहदा जो है, बाप का ओहदा जो है, भाई बहन का ओहदा जो है, ट्रांजैक्शनल जो है, अगर आप देखिएगा ना कि ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप कितना अच्छा है। आप दुकानदार हैं, कोई कस्टमर आया जो बहुत ज्यादा आपके दुकान से सामान लेता है, तो आप, अरे सर क्या सर, आप तो आपके पापा भी आते थे, दादा भी आते थे, मेरे पापा ने, दादा ने, आप जानते ही हैं इतने 50 साल से आ रहे हैं, हम लोगों की इतनी अच्छी रिलेशनशिप है, जाइए जाइए जाइए, आप ले जाइए, जाइए आप ले जाइए। वही आपके पापा माँ या मतलब आपका कोई दोस्त या कुछ बहाना बना देंगे, या मतलब उतनी ज्यादा रिलेशनशिप या उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना जितना वो डिजर्व करते हैं। वो जो आपका कस्टमर है उससे लाख गुना ज्यादा आपकी बाप, बहन, नेबर, दोस्त आपका रिस्पेक्ट डिजर्व करता है आपसे। लेकिन हम लोग कहाँ हैं सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी कहाँ जा रही है। इट्स लाइक जब सोचते हैं तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम इसको रोक भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम लोग रोक सकते हैं अगर हम लोग अपने आप में चेंज करें। आप जो अपनी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है उसको आप अच्छा कीजिए, लेकिन आपका जो ब्लड रिलेशनशिप है, जो आपका नेबर है, जो आपका रिलेटिव है, जो आपका दोस्त है, जो आपके टीचर्स हैं, जो बहुत ज्यादा करीब हैं, जिनको आप बचपन से जानते हैं, उनको आप ज्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट दीजिए, ज्यादा अच्छे से बात कीजिए, तो ही तो बात बनेगी। तो ये सब वैल्यू जब आप अपने अंदर लाइएगा, यू विल बी एट पीस, एंड दीज थिंग्स आई एम टेलिंग माई सेल्फ। आई होप लाइक एक भी आदमी अगर ये बात अंडरस्टैंड कर जाएगा ना, वॉट वॉट आई एम अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्विंग राइट नाउ। मतलब क्या पता ऐसा लोग, आप लोगों को भी, आपको भी लगता होगा जब आप देखते होंगे, आप देखिए जा करके सोसाइटी में क्या हो रहा है। सो जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव अ लिटिल बिट, घर वालों से अच्छे से बात कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोलूँगा, बाहर वालों से खराब से बात करने से नहीं बोल रहा हूँ, घर वालों से उनसे ज़्यादा उन लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, बात अच्छे से करना है। वट एवर हैपन्स, दिस इज योर जॉब, दिस इज योर ड्यूटी। यही कहना था, वीडियो लंबा हो गया ना। बाय बाय, टेक केयर।